देखिए सारी बर्फबारी। लेकिन जब कल हम आए थे तो ये सिर्फ चोटियों पे थी, और अब ये जो है सब सड़कों पे भी जो है बर्फ जमी हुई है। गुड मॉर्निंग, ये पिन वैली का मुद्द विलेज है जी। ये मुद्द विलेज में हम कल आए थे, कल जब हम आए थे तो ये सारे खेत जो है बिल्कुल खेत लग रहे थे, और रात को यहाँ बर्फबारी शुरू हुई, और अब ये देखिए बिल्कुल सब जो है बर्फ के चादर पड़ी हुई है सब पे, सब खेत पेड़ हमारी गाड़ियाँ सब बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। कल जब हम आए थे तो सिर्फ पहाड़ी के ऊपर ऊपर तक जो है बर्फ थी, और जैसे ही हम आए उसके बाद हल्की हल्की सी बर्फ़ गिरनी शुरू हुई, और रात को धीरे धीरे हमें नहीं पता कब इतनी बर्फ़ गिरी है कि सारे ये खेत पे हमारे जो है जहाँ हमें रह रहे हैं सब जो है बर्फ़ से ढके हुए हैं। अब हालत ये है कि हमें यहाँ से निकलना है, अब हम कैसे निकलें, सड़कों पे तो बर्फ़ जो है पड़ी होगी बुरी तरह, बर्फ़ में चलाने की हमें आदत है नहीं, और यहाँ रुकने का सीन ये है कि न तो भाई साहब सुबह न तो बिजली है न पानी है, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, बाथरूम में बिजली भी नहीं है कि भाई हम यहाँ कोई चाय पी सकें। ये हमारी गाड़ी की हाल है, हमें निकलना था, ये सब गाड़ियों के हाल है बर्फ़ से ढके हुए बिल्कुल। साढ़े छः बजे हैं और हम अभी मुद्द विलेज में हैं, और मुद्द विलेज में जो रात को यहाँ बर्फबारी हो गई वो बर्फबारी को आपको दिखाते हैं। तो ये हम कमरे में हैं, कमरे से निकल रहे हैं, और ये हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बर्फ अभी भी बर्फ भी जा रही है, यहाँ पड़ रही भाई बर्फ। आओ फिर ये देखो जी, ये हालात है अभी मुद्द विलेज की, जो कि कल हम जब आए थे तब ये हालात थे नहीं। साथ ले चलो, ये देखो जी ये इधर ये सड़क आगे चली जाती है, ये बर्फ अभी भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, इसको दे दे। हाँ भाई ठंड करवा दी, बर्फ कर गिरवा दी। हाँ वैसे तो ठीक हुआ, पर यार लाइट चली जाती, पानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है। अच्छा ये देखो, ये सही बात है कि ये भाग्य की बात है, नहीं तो हमें कहीं भी ऐसी बर्फ नहीं मिलनी थी। लेकिन हम मुद्द विलेज जगह थे, ये भी संयोग है। सारी जो है मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन जब कल हम आए थे तो ये सिर्फ चोटियों पे थी, और अब ये जो है सब सड़कों पे भी जो है बर्फ़ जमी हुई है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हमारा ये संयोग ही है, हमने ये पिन वैली में एक दिन पहले आ जाना था, एक दिन पहले आ जाते हमें ये दर्शन नहीं होते बर्फ़ के, जो बर्फ गिर रही है। लेकिन हमें जो है वो उस दिन हम काजा चले गए, तो समस्या तो है भाई, बर्फ बोलने वाली बात है। अब सुबह सुबह यहाँ हम जिस होम स्टे में रुके हुए, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सांस यहाँ फिर मेरी तो बहुत सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ये जो है सारा ये देखो सारा ये सीन सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ये स्कूटी के ऊपर किसी ने कवर चढ़ा रखा है, उसके भी जो है बर्फ जमी है, और ये देख ये टूरिस्ट है।
और ये नया दोस्त है हमारा। ओए ये यहाँ वाला दोस्त बना नया, ये देखिए ये देखो सारे सारा सफेद है। हम भी हैं इस सीन में। कपड़े जो ला रखे थे गर्म, वो यही काम आए। अब हम निकलना चाह रहे हैं पर हम थोड़ा सा डर रहे हैं कि रास्ते में कहीं हमें बर्फ मिले, लेकिन लगता नहीं ऐसे सड़क पे जाए हमें बर्फ मिलेगी। देखिए सारी बर्फबारी धीरे धीरे जाने की भी तैयारी करनी है। ये लो जी, एक बार हम सोचने जाने से पहले चटक धूम है सुबह सुबह की, ये धूप में जो है अब ये बर्फीले पहाड़ कैसे चमक रहे हैं ये आपको दिखाते चले। ये देखिए ये है पिन वैली का मुदगांव, जहां हम कल शाम को आ गए थे और शाम को यहीं पे आसपास ही एक हमने जो है होम स्टे ले लिया था, और रात को अचानक ही बर्फबारी शुरू हो गई। धीरे धीरे ये यहीं पे हमारा वो है, और ये सुबह उठे तो ये सब सफ़ेद हो रखा था। एक बार हमने कहा जाने से पहले वीडियो आपके लिए बनाते चले। ये देखिए ये सब हमारे होते हुए गिरी है बर्फ, ये हालांकि हम इसको गिरते हुए नहीं ज़्यादा नहीं देख पाए, खिड़कियों से थोड़ी बहुत जो है अंधेरे में दिख रही थी। ये पूरे जो है ये देखो, वो देखो चोटी में भी बर्फ जो है लबालब गिरी हुई है सब जगह, और अभी ऊपर गिर भी रही, बल्कि वो देख रहे होंगे आप जो है ये जो है अभी ये गिर भी रही है ऊपर जो ये धुंध सी। ये क्योंकि सुबह भी लिया था वैसे तो यहाँ के हमने एक वीडियो, पर सुबह वो धूप में इतना बढ़िया नहीं लग रहा था। अब यहाँ बेचारों की जो है हर लोग मकान जितने भी यहाँ रहने वाले हैं उनका पहला काम होता है सुबह सुबह अपने मकानों के ऊपर से गाड़ियों के ऊपर से बर्फ़ को हटाना। मेरी भी गाड़ी बर्फ़ से लदालद हो रखी थी, बड़ी मुश्किल से अभी वो पूरी तरह साफ़ तो नहीं हो पाई पर अब साफ हुई है। तो जी ये हम मुद विलेज से निकल पड़े और अभी टाइम हो रहा है 8:45। यहाँ कल रात को जैसे कि मैंने बताया बर्फ़ बहुत पड़ गई थी, रात को यहाँ बर्फ़ पड़ गई सारा जो है। जब हम आए थे तो जहाँ खेत दिख रहे थे वहाँ सब बर्फ़ ही बर्फ थी, सारी पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ रात को हमें बहुत दिक्कत हुई ऑक्सीजन की, सुबह जब उठे तो लाइट नहीं थी और पानी नहीं था, कहते वो पाइप जो है वो जम जाते हैं, तो न तो हम जो है चाय भी नहीं पी पाए, कुछ नाश्ता नुश्ता भी नहीं कर पाए। तो अब हम जो है यहाँ से ये मुद विलेज है, यहाँ से अपना पिन वैली में पड़ता है, ये यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होती है हमारी, आगे जा करके डिसाइड करते हैं। हम तो सोच रहे थे कहीं सड़कों पे बर्फ़ में जमी हो, मैंने कहा जाना मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि हमें मुझे तो खासकर बर्फ में चलाने की आदत, गाड़ी चलाने की आदत है नहीं। और कहते हैं कि इसमें गाड़ियां बहुत फिसलती हैं। थोड़ा सा कम होती जा रही है, इधर नहीं पड़ी होगी फिर मैं पड़ी है, ये पड़ी तो नहीं, ये पड़ी है। पत्थर गिरा हुआ था जी आगे, ये पत्थर गिरते रहते हैं, ये सब गिरे हुए। वैली में मोबाइल काम नहीं करते, कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता, जियो का भी काम नहीं कर रहा था। और मैंने एक आदमी से पूछा था मैंने फ़ोन करने को, तो वो कहता नहीं यहाँ तो फ़ोन काम ही नहीं करते। तो इसका मतलब किसी का भी यहाँ नेटवर्क नहीं है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का। आज देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। देखो हिमखंड देखने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ये देखिए मुद्द के बाद ये जो है रास्ते में एक गांव पड़ा है, पूरी खेती बाड़ी है यहाँ, मटर आलू जो किसी ने बताया उसके अलावा हमें पता नहीं और क्या होता है। देखिए से वापसी में चट्टानों के नीचे से ये देखो जी, ये जब हम काजा से सुमदो और सुमदो से जब जो है नाको की तरफ आ रहे हैं तो ये चढ़ाई है सारी नीचे से, और नीचे जो है स्पीति नदी है। और ये आप रोड देख रहे हैं जितने बैंड हैं ये धीरे धीरे धीरे, देखो यहाँ से ये जो है ये आर्मी का ट्रक भी जा रहे हैं। ये ट्रैफिक जाम हो रखा था मेरे ख्याल से, पीछे काम चल रहा है इस रोड पर। और ये देखो ये यहाँ से ये रोड जो है इन चट्टानों से होते हुए, और ये वहाँ से फिर ये मुड़ेगा, और यूँ जो है ये जितने बैंड हैं ये देख लो आप कितने बैंड हैं ये, और ये सारा जो है उसके बाद वो जो वो दिख रही है पहाड़ी उसके पीछे से फिर जो है वो नीचे नदी की तरफ धीरे 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 ये रोड होता रहता है। काफ़ी बड़ी चढ़ाई है और इसके साथ में काम भी चल रहा है। कहते चाइना से आती है और उधर स्पीति रिवर है, और दोनों का यहाँ पे संगम होता है, आगे जाकर के ये सतलुज बन जाएंगे दोनों मिलकर के।
ये खाप पुल पे जो है, खाप ब्रिज में खड़ी हैं सतलुज और स्पीति के संगम पे। Thank you.